हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, आप मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस का लाइफ साइकिल्स, दैट मींस इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी वायरस का स्ट्रक्चर्स और वायरस के जो टाइप्स है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिसमें हम लोग लास्ट है बच्चों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसे करता है वायरस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वायरस बच्चों पहले ही डिस्कस किया है कि ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक्स है। ठीक है, और जब तक ये होस्ट के बाहर रहता है तब तक ये इनर्ट मटेरियल्स की तरह काम करता है, पाउडर की तरह, डस्ट, मिट्टी, धूल की तरह काम करता है। बट जैसे ही बच्चों ये क्या करेगा, किसी होस्ट सेल्स में इंटर कर जाएगा, उसके बाद तो दे दनादर इसका साइकिल चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है तुम्हारा। ठीक है, तो वायरस के रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस है बच्चों, या दो तरह का इसमें लाइफ साइकिल्स है कह सकते हैं। ठीक है, एक जो लाइफ साइकिल्स बच्चों है उसको बोला जाता है फेजिक, और दूसरे को बोलते हैं बच्चों हम लोग इसमें पिनोसाइटिक साइकिल्स। ठीक है, फेजिक साइकिल और पिनोसाइटिक साइकिल्स या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब मोटा माटे अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इसमें क्या है डिफरेंस बच्चों, कि फेजिक में जो वायरस है बच्चों वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को ही सिर्फ होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, खुद नहीं जाएगा। क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल्स को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या करेगा, ओनली इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल्स इनटू द होस्ट। पता नहीं रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना, मैं बोल देता हूं, ओनली इंट्रोड्यूस्ड जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर ये इंट्रोड्यूस्ड करता है तुम्हारा, या होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड करेगा तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ पिनोसाइटिक्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, पिनोसाइटिक्स में बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा जो वायरस है वो पूरा का पूरा घुस जाएगा। तो इसमें क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, प्लस कैप्सूल्स। ठीक है, अब इसमें से अलग क्या हो चुका है, एक्सेप्ट, इसमें देखो बच्चों, एक्सेप्ट इनवेलप, इनवेलप छोड़ दो, ये पूरा का पूरा वायरस क्या कर जाएगा बच्चों, ये इंटर कर जाएगा आपका इसमें होस्ट के अंदर, करेगा इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू होस्ट सेल्स। ठीक है, जो एनवेलप है रिमेन आउटसाइड, ये कहां रह जाएगा तुम्हारा, आउटसाइड ही रह जाएगा। ठीक है ना, एनवेलप जो है बच्चों ये आउटसाइड ही रह जाएगा, अंदर इंटर नहीं करता है। तो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल्स को बोलते हैं पिनोसाइटिक लाइफ साइकिल्स। और अगर मान लो बच्चों क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करता है, बाकी सारे पार्ट इसके एनवेलप कैप्सूल सब बाहर ही रह जाते हैं, तो इसको फेजिक लाइफ साइकिल्स कहते हैं। अब बच्चों ये जो फेजिक लाइफ साइकिल्स हैं ये भी फर्दर आपका दो तरीके का हो सकता है। ठीक है ना, जो फेजिक लाइफ साइकिल उसको भी हम लोग फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तुम्हारा। एक होता है लाइटिक लाइफ साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल्स। ठीक है बच्चों, लाइटिक लाइफ साइकिल्स और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो लाइटिक लाइफ साइकिल जो होता है बच्चों, ठीक है ना, लाइटिक इसमें क्या होता है, दैट मींस समझ में आया रहा कि ये क्या करने वाला, वायरस इसमें लाइसिस करने वाला है, होस्ट के सेल्स का लाइसिस कर देगा तुम्हारा एट द एंड। दैट मींस यहां पे जो वायरस है बच्चों वो वायरुलेंट कंडीशंस में रहेगा, किसमें रहेगा, वायरुलेंट कंडीशंस में रहता है तुम्हारा। ठीक है, और अगर हम देखें बच्चों लाइसोजेनिक्स में, तो लाइसोजेनिक्स के केसेस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों ये जो वायरस है वो होस्ट के अंदर घुस जाएगा और उसी में चुपचाप रहता है, उसको बोलते उसमें रहेगा आपका क्या कह सकते हैं, इसको हिडन या समथिंग कह सकते हैं, लेटेंट फेज में रहता है, किसमें रहता है, लेटेंट फेज में रहता है तुम्हारा इसमें। ठीक है,
अच्छा, इन दोनों कंडीशंस में बच्चों अब जेनेटिक मटेरियल्स जैसे भी रिसीव करता हो, ठीक है ना, रिसीव करता हो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन, आपका होस्ट की बात करें, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक तो जैसे वायरस खुद ही क्या करे, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दे, या एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसडक्शन कहते हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है कि जो बैक्टीरियोफाज है बच्चों वो जेनेटिक मटेरियल्स वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रिसीव कर लेता है तुम्हारा, ठीक है। और बैक्टीरिया का एक स्पेशल रिप्रोडक्शन है जिसमें ट्रांसडक्शन बोला हा, उसमें तो ये इंट्रोड्यूस करता ही करता है तुम्हारा वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया का वायरस के थ्रू बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, बट उससे फायदा हो जाता है किसको, वायरस को फायदा हो जाता है कि वो अपने भी जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज कर लेता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एनीवे देखो यहाँ पे लाइटिक में क्या बोला बच्चों, यहाँ पे कि जो होस्ट सेल्स है उसका लाइसिस हो जाएगा तुम्हारा। होस्ट सेल्स जो है बच्चों, होस्ट सेल लाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, या लाइसिस कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे होस्ट सेल तो मर गया तुम्हारा, तो यहाँ पे जो वायरस है बच्चों ये कैसा है, वायरुलेंट होता है। कैसा होता है, वायरुलेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, वायलेंट कंडीशंस में रहता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, तुम्हारा जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है, और उसी के साथ परमानेंटली फिक्स होके उसी में रहता है, ठीक है। एनीवे जैसे मान लो ये आपका एक बैक्टीरियल सेल्स है, मतलब ये होस्ट है और ये होस्ट का अपना जेनेटिक मटेरियल्स है, तो उसके साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाके बच्चों इस तरह से जुड़ गया है जेनेटिक मटेरियल, तो ये वायरल डीएनए है और ये बैक्टीरियल डीएनए है, अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों है, ठीक है। तो इस ये तो वायरस तो नहीं, ये तो होस्ट है, बट फिर भी हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं प्रो फेज कह सकते हैं, मतलब फेज से पहले वाला प्रो फेज होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो वायरस रहता है बच्चों वो टेम्परेट वायरस कहलाता है, यहाँ पे वायरस को क्या कहेंगे हम लोग, टेम्परेट वायरस कह सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, टेम्परेट वायरस कहते हैं, इसको भी लिख लेते हैं टेम्परेट वायरस या लेटेंट वायरस भी कहा जा सकता है तुम्हारा, ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली वायरस जो है होस्ट के सेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो वायरल कंडीशन, मतलब क्योंकि इसमें होस्ट सेल्स मर गया, बट इसमें होस्ट सेल अभी भी है प्रोफेज के फॉर्म में, और यहाँ पे वायरस इनर्ट स्टेट में रहता है, लेटेंट फेज में रहता है, तो टेम्परेट वायरस कहते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल्स है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे टी टू फाज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टी टू फाज में ऐसा होता है, और लाइसोजेनिक जो होता है बच्चों ये लैम्डा फाज जो वायरस है उसमें ऐसा होता है, लैम्डा फाज जो वायरस है उसमें ऐसा हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा बच गया था आपका पिनोसाइटिक फेज में, तो पिनोसाइटिक फेज में यहाँ पे बस खाली एग्जांपल बच गया था, इसमें क्या बोला था, जेनेटिक मटेरियल और कैप्सूल जो है बच्चों वो घुस जाता है होस्ट के सेल्स के अंदर, यहाँ पे जो इसका एनवेलप होता है वो बाहर ही छूट जाता है बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम लोग पिनोसाइटिक फेज के लिए, यहाँ पे एक तो जैसे टीएमवी हो गया, एचआईवी हो गया, ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें हेपेटाइटिस भी लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो ये लोगों में जो लाइफ साइकिल चलता है बच्चों वो पिनोसाइटिक चलता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, वायरस का ये जो ट्रांसडक्शन वाला फेज है बच्चों, इन दोनों को और अगर समझना है तो थोड़ा बैक्टीरिया का जो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको और अच्छे से देखोगे तो इसमें और आपका क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, अदरवाइज इसमें थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, जितना काम लायक था चीज वो चीज हम लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा वायरस का लाइफ साइकिल, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, इसमें इतना ही है, ठीक है, तो छोटा ही है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब इसमें हम लोग अपना कोरोना वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं, अब हम लोग डिटेल्स में इसमें क्या क्या है, नया अपडेट्स क्या है आपके लिए, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कोरोना वायरस के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे आके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी आप लोगों का एग्जाम का डेट काफी टाइम के लिए एक्सटेंड हो चुका है, 26 जुलाई को है, तो आपके पास एक सफिशियंट टाइम है बच्चों, एकदम पूरा अपना जो भी है
अच्छे से उसको लगाओ, तन मन धन जिसको कहा जाता है अच्छे से लगाओ, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास चांस है, मौका है, ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है, तो उसको पढ़ो, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अगर कुछ गलती रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी के अदर वीडियो देखने के लिए आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो आपको डिस्प्ले होगा उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप मेरा अगर फिजिकल क्लासेस मतलब अगर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर नंबर कर सकते हैं। मैं स्पेशली अभी तो क्लास और 11 और 12 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप करके आप मेरे साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है, अगर आपको 11 और 12 के लिए अगर क्लासेस करना है तो, ठीक है। ड्रॉपर का बैच जब स्टार्ट होगा तो मैं उसके लिए अनाउंस कर दूंगा जून पे, ऐसे ही जैसे अभी आपके सामने ऑन बोर्ड पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से ऑन बोर्ड पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।